एवरीवन, तो आज हम न्यू बास्केटबॉल के फिटनेस के साथ ड्रिल्स करने वाले। तो फर्स्ट जो ड्रिल है हमारे, उसके लिए सोफा चाहिए। आपके पास घर में कोई भी ऐसी चीज हो जो स्टेबल हो, ओके, मैं यहाँ पे सोफा सेट यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो, बट लेकिन वो स्टेबल चाहिए। तो फर्स्ट ड्रिल जो है स्क्वाट्स पोजिशन, आपको ऐसे एडजस्ट करना है खुद को एंड स्क्वाट्स पोजिशन में, एंड आपको बाउंस करके कैच करना है। सो फर्स्ट टाइम हम प्रैक्टिस आपको लगेगी कहाँ पे बाउंस करना है, कहाँ पे बॉल करेक्टली आपके पास आएगा। ओके, फर्स्ट ड्रिल। देन सेकेंड ड्रिल के लिए, सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आपको चेयर की जरूरत है। ओके, सो आपको चेयर यूज करनी है। ओके, सेम जैसे आप चेयर पे बैठते हैं वैसे ही बैठना है, लेकिन बैक स्ट्रेट और चेयर पे टच रखनी है, बैक स्ट्रेट। देन राइट लेग अप, ओके, राउंड डाउन, लेफ्ट लेग अप, रोल डाउन, सेम कंटिन्यू, फर्स्ट अप देन रोल देन डाउन, अप रोल डाउन, अप रोल डाउन। तो इसमें आपको याद रखना है नी स्ट्रेट रखनी है, ओके, और ट्राई करना है जितने आप बैक स्ट्रेट रख सकते हो। रोल डाउन, लेफ्ट लेग अप, नी स्ट्रेट एंड रोल, ओके। देन सेम थर्ड ड्रिल आपको वॉल के साथ करनी है, तो आपको वॉल लगने वाले, सेम आपको स्क्वाट्स पोजीशन पूरा बैक पे होल्ड करना है, ओके, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है, और सेम जैसे आपने ड्रिल की थी वैसे ड्रिल आपको करना है, बाउंस कैच, बाउंस कैच, बाउंस कैच। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, आपको कहां पे बॉल बाउंस करना है देन कैच करना है, बाउंस कैच, बाउंस कैच, बाउंस कैच, ओके। सो हमारे आज के 3 ड्रिल्स है। सो हमें फर्स्ट ड्रिल के सोफा या जो चीज बैलेंस हो, सेकेंड एक्सरसाइज में आपको चेयर, थर्ड एक्सरसाइज में वॉल। बाय।